तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक कौन सी होती है तो अभी अपन देखेंगे। तो ब्रांच एंड बाउंड इज अ स्टेट स्पेस सर्च मेथड इन विच ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नोड आर जनरेटेड बिफोर एक्सपांडिंग एनी ऑफ इट चिल्ड्रन। तो क्या होता है यहाँ पे, ये एक स्टेट स्पेस सर्च है जहाँ पे एक मेथड है वो सर्च करने का, स्टेट स्पेस सर्च की, जहाँ पे उसके जो चिल्ड्रन रहते हैं उसके चिल्ड्रन, देखिए ऑल द चिल्ड्रन नोड आर जनरेटेड बिफोर एक्सपांडिंग एनी ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो एक अभी अपने पास अगर मान लो ये वाली अपने ट्री है, ठीक है, तो इस ट्री के जो चिल्ड्रन है ये वाला, ठीक है, ये चिल्ड्रन है इस नोड के, अगर हेलन बात करें अपन, तो इस ये जो चिल्ड्रन है, ये जो नोड है, तो ये नोड जो है उसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से। देखिए जब तक अपना मतलब अगर अपन इस नोड पे अगर अपन रहेंगे तो क्या होगा, तो ये नोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये नोड एक्सपांड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद में लाइव नोड क्या होता है, तो लाइव नोड जो होता है वो ये वाला होता है, तो लाइव नोड दैट हैज़ बीन एक्सपांडेड, तो लाइव नोड जो होता है वो एक्सपांड हुआ रहता है। तो और जो लाइव नोड रहता है वो अपना रूट नोड, अपना चाइल्ड नोड होता है ना, तो इसके लिए लाइव नोड दैट चाइल्ड हैज़ नॉट बीन एक्सपांडेड, तो इसका चाइल्ड जो है वो एक्सपांड नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट कहाँ पे है, हाँ ठीक है, इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बट इट इज़ अ यूजफुल इन सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन एंड ओनली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये देखिए ब्रांच एंड बाउंड जो टेक्निक है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए होती है, और या फिर मैं ओनली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक अपन कब यूज़ करते हैं, जब हमारा ग्रीडी अप्रोच या फिर डायनामिक अप्रोच दोनों काम ना करते हो, तब अपन ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रांच एंड बाउंड यूजेस BBFS फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो ये बेस्ट फर्स्ट सर्च यूज करता है फॉर द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो ये अपने वाली सिस्टमैटिक मेथड है जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कराने में काम आती है। द ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक इज यूज व्हेन द ग्रीडी मेथड एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग आर फेल्ड। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ग्रीडी मेथड एंड डायनामिक अप्रोच जो फेल्ड हो जाते हैं तब अपन ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक यूज़ करते हैं, बट इट इज़ स्लोअर देन अदर। तो लेकिन जो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक है वो थोड़ा स्लोअर है देन अदर टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद में लाइव नोड क्या होता है, वो जैसे कि मैंने आपको आप पीछे बताया। उसके बाद में डेड नोड नॉट दैट हैज़ बीन एक्सपांडेड, मतलब इसको अपन एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो तो डेड हुआ रहता है ना, तो वो क्या एक्सपांड कैसे होगा, ठीक है। एक्सपांडेड नोड इज अ लाइव नोड विद द बेस्ट कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, ये एक्सपांड कोड होता है। उसके बाद में ब्रांचिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग सब प्रॉब्लम एंड बाउंडिंग रेफर्स टू द इग्नोरिंग पार्टीशन सॉल्यूशन दैट कैन नॉट बी बेटर दैन द करंट सॉल्यूशन। तो ब्रांचिंग ये एक प्रोसेस है जहाँ पे अपन स्वैपिंग सब प्रॉब्लम के अपन स्वैपिंग करते हैं एंड बाउंडिंग करते हैं, कुछ एरर रहते हैं उनको अपन इग्नोर करते हैं एंड हमें कुछ बेटर सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में इट मेंटेन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, तो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड को मेंटेन करती है। उसके बाद में आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन है अपने पास, मिनिमाइजेशन MILP है, उसके बाद में नंबर ऑफ ANP हार्ड प्रॉब्लम भी उसमें आता है, उसके बाद में 0 and 9 भी उसमें आता है, 8 puzzle भी आता है, जॉब शेड्यूलिंग भी आता है, ANQ भी आता है, और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी उसमें आता है। तो एक अपन एक जॉब शेड्यूलिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा।
कंसिडर द जॉब, यहाँ पे अपन ने जॉब लिया है J1 J1 टू J4 और उसकी पी दी प्रोसेस दिया है, मतलब स्टार्टिंग टाइम दिया अपन ने 10 5 10 8 डी दिया है 1 2 1 2 वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में लेट एस लेट अभी अपन दो दो जॉब अपना स्टार्ट करने वाले हैं, वह J1 एंड J4 जो अपने वाले करंट जॉब होंगे। और सो स्टेट पे सर्च ट्री, तो स्टेट पे ट्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें डायरेक्टली लिखना है, यहाँ पे अभी देखिए चार जॉब है अपने वाले, तो चार उसके सब 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 नोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट जॉब को अपन फिर से पार्ट करेंगे, जहाँ पे अपन फर्स्ट जॉब तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में आएगा J2 J3 J4, उससे मैं यहाँ पे J2 के बाद में आएगा J3 J4 या फिर J3 के बाद में आएगा सिर्फ J4, J4 के बाद में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना वाला एक्सपांडेड नोड है, लाइव नोड है, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा अपना वाला ये वाला J2 के बाद में J3 J4 आएगा, उसके बाद में J3, ऐसे इस तरीके से अपना ये जॉब शेड्यूलिंग का ट्री अपन ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने वाला शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बस।